वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर। बच्चों, बहुत सारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिसको आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो पार्ट आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करें। सबसे पहले है मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड गेम पैड। ये जो सारे पार्ट्स है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आगे है, वी हैव मोस्ट फेमिलियर विथ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी हैव लर्न इन प्रीवियस ईयर। ये जो सारे पार्ट्स है उसको आप जानते हो, उससे आप फेमिलियर हो और इसको आप प्रीवियस ईयर में यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। वी कैन ऑल्सो नो दैट दे आर कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर। द मेन फोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर गिवन बिलो। ये जो पार्ट्स है, जैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हैंड, लेग, आई, ये जो सारे कंपोनेंट है, वैसे ही ये जो पार्ट्स है सारे, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट है। द मेन फोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यहाँ आर गिवन बिलो। जो मेन फोर पार्ट्स है वो आपको नीचे दिए गए हैं। आपको इस पिक्चर में कंप्यूटर के मेन पार्ट दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से है बच्चों, पता है आपको? चलो मैं ही बता देती हूँ। मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। कंप्यूटर के मेन फोर पार्ट्स है मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। ये जो फोर पार्ट है ये कंप्यूटर के मेन पार्ट है। हियर वी आर गोइंग टू सी सम मोर पार्ट लाइक स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकॉम, जॉयस्टिक इटीसी। और सम मोर पार्ट्स है स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, ये जो पार्ट्स है सारे ये सम मोर पार्ट्स है। और मेन फोर पार्ट जो है मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। आगे हम पढ़ेंगे ये सारे पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले है उसमें मॉनिटर। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इट लुक लाइक अ टेलीविजन सेट। वो कैसा दिखता है? टेलीविजन जैसा दिखता है। इट डिस्प्ले आउटपुट, वो आउटपुट डिस्प्ले करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट से भी पहचानते हैं, यानी वीडियो से भी पहचानते हैं। वी कैन ऑल्सो सी मूवीज ऑन अ मॉनिटर। हम सब मॉनिटर के अंदर मूवीज भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दो टाइप्स के मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं, एलसीडी मॉनिटर एंड सीआरटी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एंड सीआरटी मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। आगे है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज लुक लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड एक टाइपराइटर जैसा दिखता है। जनरली कीबोर्ड हैज 101 टू 105 की। जनरली कीबोर्ड में 101 से 105 तक की होती है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 की ऑन इट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है। अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन विच आर कॉल्ड की। जो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम कीज कहते हैं। अ कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइप लेटर, वर्ड, नंबर एंड स्पेशल सिंबल। कीबोर्ड के अंदर फोर टाइप्स के बटन होते हैं, लेटर, वर्ड, नंबर एंड स्पेशल सिंबल। एंटर की ऑन कीबोर्ड इज नोन एज रिटर्न की। एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं। आगे है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको सीपीयू का फुल फॉर्म भी कहते हैं। सीपीयू नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर टू गिव अस करेक्ट रिजल्ट। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के जो सारे फंक्शन है उसको गिव अस एंड करेक्ट रिजल्ट, उसको
करेक्ट रिजल्ट देता है। सीपीयू हेल्प अ कंप्यूटर टू रिमेम्बर मैनी थिंग। कंप्यूटर को बहुत सारी चीजें हैं उसको सीपीयू याद करवाता है। आगे है माउस। माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस हैज टू और थ्री बटन। माउस के ऊपर टू और थ्री बटन्स होते हैं। माउस इज इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है। माउस इज यूज टू क्लिक सिलेक्ट ड्रैग आइटम ऑन द स्क्रीन। माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप के माउस दिखाई दे रहा है, सिंपल माउस एंड वायरलेस माउस। सिंपल माउस में वायर होता है और वायरलेस में बिना वायर के ये चलता है। आगे देखिए प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग ऑन अ पेपर। प्रिंटर जो है वो किसी भी चीज को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इट गिव आउटपुट एज हार्ड कॉपी। वो आउटपुट कैसे देता है, हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है, क्योंकि जो प्रिंट है वो पेपर के ऊपर छपता है ना, इसीलिए वो हार्ड कॉपी कहलाता है। इट मे रिटर्न आउटपुट इन ब्लैक और मल्टी कलर। वो आपको ब्लैक कलर में और मल्टी कलर में आउटपुट देता है। यहाँ आपको तीन टाइप्स के प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेसर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे है स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर अलाउ टू लिसन म्यूजिक। स्पीकर्स क्या करते हैं, हम स्पीकर से म्यूजिक सुन सकते हैं। स्पीकर आर जनरली यूज इन पेयर। स्पीकर को जनरली पेयर में ही यूज किया जाता है। आगे है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, वी कनेक्ट दिस डिवाइस विच कंप्यूटर सिस्टम टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड। माइक्रोफोन को कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उसको हम जो रिकॉर्ड है, हम वॉइस जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर बाय यूजिंग माइक्रोफोन। और हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है तो हम कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन को ज्वाइंट कर देते हैं और हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इट ऑल्सो यूज टू टॉक विथ अवर फ्रेंड्स बाय यूजिंग इंटरनेट। अगर हमें किसी हमारे फ्रेंड के साथ इंटरनेट पे बात करनी है तो हम माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जॉयस्टिक एंड गेम पैड। जॉयस्टिक एंड गेम पैड हेल्प अस टू प्ले गेम ऑन अ कंप्यूटर। जॉयस्टिक एंड गेम पैड का यूज हमें कंप्यूटर के अंदर गेम खेलनी है तो होता है। जॉयस्टिक एंड गेम पैड हैज लॉन्ग लेवर और बटन्स टू प्ले गेम। जॉयस्टिक और गेम पैड के ऊपर लॉन्ग लेवर और बहुत सारे बटन्स भी होते हैं, वो हम गेम जो खेलते हैं उसके लिए यूज होते हैं। बच्चों, आपने ये बहुत सारे पार्ट्स है कंप्यूटर के वो उसके बारे में पढ़ा, मजा आया ना। चलो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। उसमें सबसे पहला है क्वेश्चन वन, टिक द करेक्ट आंसर। आपको आंसर करेक्ट आंसर में टिक करना है। सबसे पहले है कंप्यूटर हैज मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स है, 5, 4, 3। कितने हैं, 4। कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। कौन कौन से है पता है आपको, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एंड कीबोर्ड। उसके बाद सेकंड है विच काइंड ऑफ डिवाइस इज माउस। माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है कि नन, इनपुट और आउटपुट दोनों में से एक भी डिवाइस नहीं है। माउस हैज इनपुट डिवाइस, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। तीसरा है स्मॉल बटन ऑन कीबोर्ड इज नोन एज। कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स है, उसको हम क्या कहते हैं, आइकन
डेस्कटॉप के की, क्या कहेंगे की, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्ले यूनिट, किसको हम डिस्प्ले यूनिट, इसमें से हम डिस्प्ले यूनिट किसको कहेंगे, माउस को, सीपीयू के, मॉनिटर किसको कहेंगे, डिस्प्ले यानी आउटपुट कौन दिखाता है, मॉनिटर, सीपीयू आउटपुट नहीं दिखाता है, वो प्रोसेस करता है, और माउस इनपुट डिवाइस से वो इनपुट करता है, तो आंसर में आएगा मॉनिटर। फिफ्थ में है, वी कैन मेक हार्ड कॉपी ऑन पेपर थ्रो, हार्ड कॉपी, हमें हार्ड कॉपी कौन बना के देता है पेपर के ऊपर, प्रिंटर, मॉनिटर की स्कैनर, आंसर में आएगा प्रिंटर। मॉनिटर हमें आउटपुट दिखाता है और स्कैनर हमें स्कैन करके देता है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके नीचे आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर भी दिए हैं, लेकिन वो सारे आंसर उल्टे फुलटे हैं, यानी आपको अच्छी तरह से उसमें से ढूंढ के आंसर लिखना है। फर्स्ट वन है, इंक्लूजेड इज वन टाइप ऑफ, इंक्लूजेड है ये क्या है, वन टाइप ऑफ प्रिंटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटर। दूसरा है, देयर आर की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर कितनी की होती है, 101, 2, 105। उसके बाद है, इज यूज टू इनपुट साउंड इन कंप्यूटर, किसका यूज से हम कंप्यूटर में साउंड सुन सकते हैं, आंसर में आएगा माइक्रोफोन। उसके बाद है स्पीकर गिव द एज आउटपुट, क्या आएगा आंसर में, स्पीकर क्या हमें देता है, साउंड आउटपुट में देता है। उसके बाद है हेल्प अस टू प्ले गेम, किसके हेल्प से हम गेम प्ले कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, क्या आएगा आंसर में, जॉयस्टिक। उसके बाद है देयर आर एंड प्रिंटर आर अवेलेबल इन मार्केट, कितने टाइप्स के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है, इंकजेट एंड लेसर। उसके बाद में एक्सरसाइज में है ब्रेन बूस्टर, फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट वन है प्रिंटर, यहाँ पे पिक्चर है उसको आपको यहाँ जो वर्ड दिए है उसके साथ मैच करना है। पहला है प्रिंटर, यहाँ पे कौन सा प्रिंट, कहाँ पे आपको प्रिंटर दिखाई दे रहा है, ये, इसको आप प्रिंटर के साथ मैच करेंगे ऐसे। उसके बाद दूसरा है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन कहाँ है, यहाँ। तीसरा है स्पीकर, स्पीकर कहाँ है, यहाँ। उसके बाद है जॉयस्टिक, ये है जॉयस्टिक। उसके बाद है सीपीयू, यहाँ पे है सीपीयू। उसके बाद है माउस, ये है माउस, ओके। आगे है कंप्लीट द वर्ड्स, आपको यहाँ पे वर्ड जो है इनकम्प्लीट है उसको आपको कंप्लीट करना है, ओके। यहाँ पे आपको हिंट भी दी गई है, उसकी हेल्प से आप ये सारे जो वर्ड है उसको कंप्लीट कर सकते हो।
पहला है joystick, यानी जॉयस्टिक। यहाँ पे हम joystick। दूसरा है output, आउटपुट। तीसरा है printer, प्रिंटर। चौथा है mouse, माउस। पांचवा है monitor, मॉनिटर। छठा है speaker, स्पीकर। सातवा है simple, सिंपल। आठवा है gamepad, गेमपैड। मजा आया ना बच्चों? आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से लर्न भी करनी है और ये फिलअप भी करनी है। सामने है एक्टिविटी में join the dot and color the picture as per given direction। मॉनिटर में व्हाइट कलर करना है, कीबोर्ड में ब्लैक, माउस में ब्लू एंड सीपीयू में ग्रीन। ओके, ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया है उसको, जो सारे डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है और उसके अंदर कलर करना है। पर यहाँ पर जो ऊपर जो दिया है, दिए गए है, वैसे ही कलर करना है। ओके, आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।